नमस्कार, मैं भाग्यश्री ढोंगे वीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। द्रौपदी मुर्मू की विजय पर भाजपा कार्यालय में जल्लोष सभा का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में सभी आघाड़ी मोर्चे के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने मनाई खुशियाँ। उमरेड में फ्लिपकार्ट के गोदाम में चोरी कर भागने वाला संदिग्ध आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। अन्य आरोपियों की जांच के लिए गोधरा भेजा गया पुलिस बल। राष्ट्रपति पद चुनाव के निर्णय पर संजय राउत ने दी प्रतिक्रिया। कहा, हमें खुशी और गर्व है कि हमने द्रौपदी मुर्मू की जीत में निभाई भूमिका। विस्तार से भाजपा कामठी शहर की ओर से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू इनके ऐतिहासिक विजय उत्सव भाजपा कार्यालय जय स्तंभ चौक में जल्लोष सभा का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सभी आघाड़ी मोर्चे के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ प्रमुख, नगर सेविका, नगर सेवकों, महामंत्री, सभी पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। ढोल नगाड़ों तथा पटाखे फोड़कर उत्साह मनाया गया। प्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले समय में रामनाथ जी कोविंद जो मागास वर्ग के समाज से आते हैं उनको राष्ट्रपति के ये सर्वोच्च पद के ऊपर में बैठाकर उन्होंने एक नया इतिहास बनाया था। उसी तरह आज 75 साल के इतिहास में जो आदिवासी समाज जो उपेक्षित था, दुर्लक्षित था, वो आदिवासी समाज के एक नेता, आदिवासी समाज की एक कर्मठ कार्यकर्ता जिनको द्रौपदी जी मुर्मू इनको आज देश के सर्वोच्च पद पर बैठाकर आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब, आदरणीय अमित जी शाह साहब, आदरणीय जेपी नड्डा साहब, इन्होंने एक अलग पहचान भारतीय जनता पार्टी की दिखा दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने देश की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी NTPC लिमिटेड के लिए PSU के शीर्ष अधिकारी श्री जयकुमार श्रीनिवासन के निदेशन के रूप में 21 जुलाई 2022 को नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। इससे पहले श्री श्रीनिवासन निदेशक NLC इंडिया के रूप में कार्यरत थे, जो कि एक जीवाश्म ईंधन खनन और थर्मल पावर जनरेटिंग कंपनी है। श्री जयकुमार नागपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सरस्वती विद्यालय नागपुर से की और नागपुर विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और ICMA नागपुर अध्याय के छात्र भी थे। उनके पास वित्त लेखा, कराधान, वाणिज्यिक, बिजली विनियमन, नवीनीकरणीय, IT और परियोजना विकास के क्षेत्रों में राज्य और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में बिजली और खनन क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है, जिसमें बोर्ड मेंबर के रूप में 8 साल का अनुभव भी शामिल है। NCL इंडिया लिमिटेड में अपनी सेवा से पहले उन्होंने अगस्त 2017 में महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में निदेशक और MSEB होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में निदेशक के रूप में कार्य किया था। विधायक राजू पारवे ने उमरेड तालुका के सावंगी, कलमना, पावनी और पिंपला गांव में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया और नुकसान हुए परिवारों को मदद प्रदान की गई। इसके साथ बाढ़ में और कृषि में हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद संबंधित अधिकारियों को तत्काल पंचनामा बनाने का भी आदेश दिया गया। 19 जुलाई को बेला सर्कल के सावंगी, कलमना, पवनी और पिपला गांव में नदी और नहरों में पानी भर गया और कई घरों में पानी घुस गया, जिससे संपत्ति को काफी नुकसान हुआ। विधायक राजूभाव परवे ने इन गांवों का दौरा कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी उमरेड व तहसीलदार उमरेड को पंचनामा बनाने का आदेश दिया। साथ ही जिला परिषद सर्कल बेला में श्री नारायण जायसवाल, श्री शंकर वाघमारे, श्री मुरलीधर हिवांग, सुंदराबाई हिवांग, श्री चंद्रभान वाघमारे के 5 परिवारों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए विधायक राजूभाव परवे ने प्रति परिवार 5,000 रुपए की तत्काल सरकारी सहायता राशि प्रदान की। साथ ही मौजा कलमना के किसान हवासुजी सयाम का बैल बिजली गिरने से मर गया, जिसके लिए सरकार के माध्यम से 25,000 रुपए की सहायता दी गई। उमरेड तालुका में कृषि को भी बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल पंचनामा बनाने का भी आदेश दिया। इस समय उपस्थित PS अध्यक्ष रमेश किलन के, अनुमंडल पदाधिकारी चंद्रभान खंडेत, तहसीलदार पुंडेकर, जिला सदस्य वंदना बाल पांडे, मिलिन सुट्टे, PS उपाध्यक्ष सुरेश लेंडे, PS सदस्य पुष्कर डांगरे, दादाराव मंदस्कर, समूह विकास अधिकारी नितेश जी माने, तालुका कृषि अधिकारी सोनाली गजबे, थानेदार वाघोले, सुभाष मुले, अरुण बाल पांडे, रितेश राउत,
प्रफुल्ल बांकर और किसान, बड़ी संख्या में नागरिक और सभी संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। उमरेड पुलिस थाने में फिरियादी अंकित भरत मून ने उनके फ्लिपकार्ट के गोदाम में चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी जांच चल रही थी कि एक दिन पुलिस को गश्त करते समय एक कंटेनर संदिग्ध नजर आया और एक व्यक्ति उसमें से एक सफेद बोरी फेंकता नजर आया। शक होने पर पांडे और उनकी टीम तलाशी लेने गई, लेकिन आरोपित इसम ने मौके पर ही बोरी फेंक कर कंटेनर लेकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी का पीछा कर उसे पकड़ने की कोशिश की और मुख्य आरोपी को पुलिस ने बड़ी ही कुशलता और जांच से गिरफ्तार किया और अन्य आरोपियों की खोज के लिए पुलिस बल भेजा गया है। तिलक रामटेके वाहन में गश्त कर रहे थे, तभी MIDC परिसर में एक कंटेनर संदिग्ध नजर आया और एक व्यक्ति उसमें एक सफेद बोरी फेंकता नजर आया। शक होने पर पांडे व टीम उसकी तलाशी लेने गई, लेकिन आरोपी इसम ने मौके पर ही बोरी फेंक कर कंटेनर लेकर फरार हो गया। पुलिस उपनिरीक्षक पांडे ने साथ गए कर्मचारी तिलक रामटेके को बोरी का निरीक्षण करने के लिए भेजा और कंटेनर का पीछा करने लगे। लगभग 18 किलोमीटर पीछा करने के बाद कंटेनर चालक ने अचानक गांव मांडवा क्षेत्र के घने जंगल में कंटेनर को रोक दिया और तेज गति से कंटेनर को रिवर्स में ले गया और पुलिस कर्मियों को मारने के इरादे से वाहन को टक्कर मार दी और वाहन को उड़ा दिया। पुलिस उपनिरीक्षक पांडे और पूना चवरे ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर समय रहते नीचे उतरने पर उनकी जान बच गई। इसी दौरान कंटेनर में सवार अन्य चार लोग अचानक नीचे आ गए और पुलिस उपनिरीक्षक पांडे पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर कंटेनर लेकर फरार हो गया। आरोपितों ने फ्लिपकार्ट कंपनी का गोदाम तोड़कर उसमें से सामान चुरा कर ले जाने की बात सामने आई, तो वहीं दूसरी तरफ वादी अंकित भरत मून उम्र 26 वर्ष के गिर रोड उमरेड स्थित फ्लिपकार्ट के गोदाम में कोई अज्ञात चोर शटर तोड़कर दुकान में घुस गया और कुल 71,000 रुपये का सामान चोरी हो गया था। इन दोनों घटनाओं का गुनाह उमरेड पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। पुलिस की जांच में पता चला कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये आरोपी एक ही होने की बात सामने आई। पुलिस ने जांच के दौरान मुख्य आरोपी उस्मांगनी मोहम्मद इब्राहिम कोफीवाला को मजलखंड जिले के बालाघाट से गिरफ्तार किया था। आरोपी ने ये गुनाह अन्य तीन आरोपियों के साथ करने के बाद कबूल की। अन्य आरोपियों की खोज के लिए गोधरा में पुलिस बल भेजा गया है। उमरेड पुलिस स्टेशन मध्ये दाखल गुन्हा 392/22 यामध्ये आमचे पोलीस उपनिरीक्षक बटुलाल पांडे आणि दोन कर्मचारी यांनी एका कंटेनरचा पाठलाग केला होता 23 जून 2022 आणि यामध्ये बटुलाल पांडेंनी जवळजवळ 18 किलोमीटर पाठलाग केल्यानंतर त्यांच्यावरती गुन्हेगारांनी हल्ला केला होता। यामध्ये फ्लिपकार्टच्या गोडाऊनमध्ये घरफोडी झालेली होती आणि मुद्देमाल घेऊन आरोपी पळत असताना पाठलाग झाला आणि या पाठलागामध्ये कंटेनर रिवर्स घेऊन आमच्या 112 गाडीला त्यांनी धडक दिलेली होती आणि बटुलाल पांडेंच्या पायावरती मारहाण केली होती पोलीस उपनिरीक्षक बटुलाल पांडे। त्या गुन्ह्याच्या तपासामध्ये पोलीस निरीक्षक प्रमोद गोंगे आणि त्यांच्या टीमने त्याचबरोबर SDPO यांनी सतत तपास केला आणि यामध्ये दोन आरोपी आत्तापर्यंत अटक केले, एकूण 5 आरोपी निष्पन्न झालेले आहेत। ते निष्पन्न आरोपीमध्ये उस्मान कॉफीवाला म्हणून जो आहे याच्यावरती भरपूर गुन्हे दाखल आहेत। गोधरा शहरामध्ये त्याच्यावरती गुन्हे दाखल असून सध्या परिस्थितीमध्ये त्याने बालाघाट उमरेडमध्ये दोन गुन्हे निष्पन्न झालेले आहेत। अद्यापही 3 आरोपी अटक करायची बाकी आहेत। पोलीस यामध्ये आणखी तपास करून ते 3 आरोपी अटक करेल। त्याच्यामध्ये उस्मान कॉफीवाला हा त्यांचा नेतृत्व करत होता, त्यांच्या नावावर तिथे कंटेनर पण आहे आणि अद्यापही याच्यामध्ये आणखी 3 आरोपी निष्पन्न झालेले आहेत, ते अटक करणं बाकी आहे। आणि ज्या कंटेनरच्या संबंधी त्याचा आणखीन तपास आम्ही करतो। फ्लिपकार्टच्या काही ठिकाणी घरफोड्या झालेल्या आहेत। एक भंडारा हातीमध्ये आम्हाला ही बात आहे की फ्लिपकार्ट गोडाऊनमध्ये चोऱ्या झालेल्या आहेत। नंतर काही ठिकाणी आपल्याकडे पण आजूबाजूचे गोडाऊन आहेत ते फोडले गेलेले आहेत किंवा त्या ठिकाणी चोऱ्या झालेल्या आहेत। त्या गुन्ह्यांचा तपास आम्ही यातून काढत आहोत। दुसरं, जो माल आहे हा कंटेनरमध्ये टाकून ते घेऊन जात होते, बहुतेक करून नाकाबंदीमध्ये किंवा पोलीस तपासणीमध्ये कंटेनर कधी चेक केला जात नाही, तर आरोपीने एक वेगळ्या पद्धतीची मोडस यामध्ये दिसून येते आणि त्यामध्ये पोलिसाला चांगले यश मिळाले आहे। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ।
अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। आप सभी का स्वागत। चंद्रपुर परिस्थिति का जायजा करने गए सुधीर मुनगंटीवार अधिकारियों पर बरसे। सबसे ज्यादा प्रभावित पासल गांव में अधिकारियों ने मदद से इनकार करने वाले वेकोली ऑफिसर को मुनगंटीवार ने सुनाया। अधिकारियों ने वेकोली का हॉल को सुरक्षित स्थान देने से इनकार कर दिया था। चंद घंटों में मदद पहुंचाओ नहीं तो हिसाब करूंगा, ऐसा बोले जाने वाला सुधीर मुनगंटीवार का वीडियो समाज माध्यम पर तेजी से वायरल हो गया है। चंद्रपुर जिले में बाढ़ की भयावह स्थिति को लेकर अधिकारियों की संवेदनहीनता के कारण सुधीर मुनगंटीवार का गुस्सा सामने आया है। ग्रामीणों से पूछताछ करने पहुंचे मुनगंटीवार का रुद्रावतार वीडियो वायरल हो गया है। भद्रावती तालुका पासल गांव, जो बाढ़ से सबसे बुरी तरह प्रभावित था, वेकोली के अधिकारी जिसने मदद से इनकार कर दिया। ग्रामीणों को वेकोली हॉल को सुरक्षित स्थान के रूप में मांगा गया था, लेकिन अधिकारियों ने देने से मना कर दिया। मुनगंटीवार का यह कहते हुए वीडियो वायरल हो गया है, कुछ घंटे के भीतर मदद पहुंचाए नहीं तो मैं हिसाब करूंगा। इस गांव के चारों ओर कोयले की खदानों से निकली मिट्टी के विशाल टीले हैं, जो गलत निर्माण के कारण गांव बाढ़ की चपेट में आ गया था। हालांकि राज्य के स्वामित्व वाली कोयला कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अधिकारियों ने ग्रामीणों के प्रति उदासीनता दिखाई और बाढ़ में मदद करने से इनकार कर दिया। गुस्से में मुनगंटीवार को अधिकारियों को सुनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बोल रहे, मैं सुधीर मुनगंटीवार बोल रहा हूँ। ऐसा है कि मैं यहाँ के जो पड़ोस गांव के लोगों में, वहाँ गांव में पानी आने से उनका रेस्क्यू करना पड़ा, वहाँ आया था, वो सब आपके नाम से इतनी गालियाँ दे रहे हैं कि आपने वहाँ पे इतने मिट्टी के ढिगारे लगा दिए, आपके वजह से वाटर लेवल कम हो गई, अगर बोरिंग खोदना है तो पाताल तक जाना पड़ता है। तीसरी बात, वहाँ के गांव के लोगों ने पानी आने के बाद आपसे रिक्वेस्ट की कि आपका हॉल दे दो, तो आपने कहा हॉल दे देंगे नहीं। ये कौन सी कौरव की भूमिका है, अपने घर का है क्या हॉल? नहीं, अभी एक काम करो, मैडम आई थी आपके सुनो आपके आदमियों को, आपके टीम को यहाँ पे भेजने का, यहाँ के लोगों की व्यवस्था करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आपके घर के पैसे देना नहीं है, कोई कपड़े बेच के देना नहीं है, जनता का पैसा जनता तक पहुंचना चाहिए। अभी कुठे तुमसे सेंटर कुठे सांग रहे? ये तो है, भारतीय ग्रामीण विद्यालय में है। अभी तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, अभी तो मदद करना है, अभी तो मदद करना आपके बाजू में है, वहाँ सब मटेरियल पहुँचना चाहिए, इतना ध्यान में रखना। मंगेश वासेकर हाल ही में रामटेक नगर पालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शामिल हुए। इससे पूर्व वे चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी
दक्षिणी नगर पालिकाओं सिंधवाई में मुख्य अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। पिछले कुछ महीनों से प्रभारी प्रमुख रहे रामटेक नगर पालिका को पूर्णकालिक अध्यक्ष पद मिला है। रामटेक नगर पालिका के तत्कालीन सीईओ गायकवाड़ के तबादले के बाद रामटेक नगर पालिका का अतिरिक्त प्रभार पारशिवनी की सीईओ अर्चना वंजारी को दिया गया। उसके बाद अर्चना मेंढे को प्रभार दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट सुषमा मरजीव, रामटेक, राजेश सवालाखे, डिजाइन सहायक अनूप तुरकर, नगर अभियंता गणेश अंदुरे, कनिष्ठ अभियंता सौरभ कावले, लिपिक विजय पडोले, इंजीनियर अभिषेक अंबागड़े ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के निर्णय कल शाम को घोषित किए गए, जिस पर संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ओडिशा जैसे दुर्दवास के इलाकों में आदिवासी समुदाय की महिला आज राष्ट्रपति पद के लिए सर्वोच्च स्थान रखती है। हमें खुशी और गर्व है कि हमने उनकी जीत में भूमिका निभाई। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति का पद जीत लिया है और उन्हें देश भर में भारी मतदान हुआ है। इसमें शिवसेना भी है। कल घोषणा की गई थी कि वो देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। हमें खुशी है कि आदिवासी समुदायों की महिलाएं, ओडिशा जैसे दूरदराज के इलाकों की महिलाएं राष्ट्रपति पद के सर्वोच्च स्थान पर है और मुझे गर्व है कि हमने उनकी जीत में भूमिका निभाई। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र दौरे के पास ठाणे से अपनी संवाद यात्रा शुरू की और ठाणे से आगे उन्हें ठाणे जिले में भारी प्रतिक्रिया मिली। वे जहाँ भी जाते हैं उन्हें युवाओं से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है। इसके माहौल में शिवसेना जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जो इस बात की शुरुआत है कि शिवसेना भविष्य में पूर्ण शिवसेना होगी। उद्धव ठाकरे भी जल्द राज्य के दौरे के लिए जाएंगे। केंद्रीय जांच एजेंसी पर राजनीतिक दबाव है जो सरकार के खिलाफ है और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लिए लड़ रही है। हमें संविधान और न्यायपालिका की सच्चाई के लिए कड़ा संघर्ष करना होगा, ऐसी प्रतिक्रिया संजय राउत ने दी है। क्या विजयी झालेला आहे? संपूर्ण देशभरातून त्यांना भरभरून मतदान झालेला आहे। त्या शिवसेना सुद्धा आहे। देशाचा 15वा राष्ट्रपती म्हणून त्यांचं निवडून आलं, जी काल घोषणा झाली त्याबद्दल आनंद सगळ्यांनाच आहे। कारण एक तळागाळातल्या आदिवासी समाजातली एक महिला ओरिसासारख्या दुर्गम भागातून समाजकारणात आलेल्या, देशाच्या राष्ट्रपती पदासारख्या सर्वोच्च पदावरती विराजमान होताना आम्हाला आनंद होतो आणि त्यांच्या विजयामध्ये आमचा खारीचा वाटा आहे, याबद्दल आम्हाला अभिमान आहे। द्रौपदी मुर्मू या देशाच्या संविधानाच्या रखवालदार आहेत, देशाच्या प्रमुख आहेत, घटनात्मक प्रमुख आहेत। त्याच्यामुळे या देशामध्ये घटनेची पायमल्ली होणार नाही। न्यायाचं राज्य राहील याची जबाबदारी आता त्यांच्यावर आहे। कारण जेव्हा जेव्हा घटनेवरती हल्ले होतील ज्या सुरू आहे त्या प्रत्येक वेळेला देशाचा नागरिक हा त्यांच्याकडे अपेक्षेने पाहिजे, त्यांनी लक्षात घेतलं। हे महाराष्ट्र दौऱ्यावर आहे, जवळजवळ त्यांनी काल ठाण्यातून त्यांची संवाद यात्रा सुरू केली, शिवसंवाद यात्रा, आणि ठाण्यापासून ते पुढे गेले। ठाणे जिल्ह्यामध्ये त्यांना प्रचंड प्रतिसाद मिळाला, मग इगतपुरी वगैरे, नाशिक, मनमाड असं करून ते पुढे चाललेले आहेत। आपण पाहिला असेल, चित्र पाहिले असेल, तर जिकडे तिकडे ते जात आहेत त्या प्रत्येक ठिकाणी तरुणांचा, लोकांचा, शिवसैनिकांचा त्यांना उत्स्फूर्त प्रचंड प्रतिसाद मिळतो आहे। शिवसेना झिंदाबादचे नारे लावले जात आहेत, आम्ही शिवसेनेबरोबरच अशा घोषणा दिल्या जात आहेत। महाराष्ट्राचं वातावरण हे भविष्यात तुम्हाला अशा पद्धतीनंच पूर्ण शिवसेनामय झालेलं दिसेल, त्याची सुरुवात आहे। लवकरच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे सुद्धा राज्याच्या दौऱ्यावर जातील, त्याची तयारी सुरू आहे। गोंदिया स्थित संत नरहरी क्रेडिट संस्थान में 58 लाख रुपए के गमन के मामले में रामनगर पुलिस ने 2 निदेशकों को फिर से गिरफ्तार किया है। इससे पहले 5 निदेशकों को गिरफ्तार किया गया था, अब गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 7 हो गई है। 44 वर्षीय नितेश बिसेन और 43 वर्षीय पंकज मंचारी नामक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि इस मामले में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है।
सन 2009 में गोंदिया में संत नरहरि क्रेडिट यूनियन की शुरुआत हुई। इस संस्था में नागरिकों ने अपना खाता खोलकर पैसे जमा किया। हालांकि क्रेडिट संस्थान में अनियमितताओं और निकासी के कारण इस क्रेडिट संस्थान में ऐसे एजेंटों और खाता धारकों ने क्रेडिट संस्थान के निदेशक से सहायक रजिस्टर से शिकायत की। सहायक रजिस्टर द्वारा 2015 से 19 तक पुनः ऑडिट कराया गया और 58 लाख रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने के बाद रामनगर पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं के तहत कुल 14 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। इस मामले में रामनगर पुलिस ने शुरुआत में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था और 20 जुलाई को 2 निदेशकों को गिरफ्तार किया गया। उनको कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी का आदेश दिया है। रामनगर पुलिस ने कहा है कि इस मामले में और आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना है। याच्या पूर्वी एकूण 5 आरोपी अटक करण्यात आलेले होते सदर गुन्ह्यामध्ये। काल APSOने यांनी 2 आरोपींना अटक केली आहे। त्यांचं नाव आहे पंकज वंजारी आणि नितेश बिसेन। त्यांना माननीय न्यायालयाने 4 दिवस रिमांड दिलेला आहे। याच्यापूर्वी त्यांनी सेशन कोर्ट आणि हायकोर्ट या ठिकाणी अटकपूर्व जाण्यासाठी अर्ज केले होते, त्या ठिकाणी त्यांचे नाकारले गेले। काल त्यांना अटक करून न्यायालयात हजर करून पीसी घेण्यात आले। किती लाखांची अफरातफर केली आहे त्यांनी? साधारण एकूण सर्व मिळून 57,91,103 रुपयाचा अपहार झालेला आहे अशा प्रकारे फिर्याद आहे। सध्या आणखी आरोपी अटक होण्याची शक्यता? अजून टोटल 14 आरोपी आहेत, त्याच्यापैकी आता 7 झालेले, 7 बाकी आहे। तपास चालू आहे, तपासादरम्यान जे निष्पन्न होईल त्याप्रमाणे पुढील अटक। तो VKB न्यूज की दोपहर की खबरों में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।